अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं बिलाल खान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हिसाब। नाज़रीन, ईद उल अज़हा मज़हबी त्यौहार एक बड़ा त्यौहार है जो कि सुन्नत इब्राहिमी की तकमील के लिए लोग जोग दर जोग आते हैं और कुछ ऐसी फैमिलीज़ भी आती हैं लोगों के साथ, ख़रीदने वालों के साथ साथ जो इंजॉय करती है। हम इस वक्त मंडी में मौजूद हैं, लाहौर की सबसे बड़ी मंडी सगियाँ पुल के करीब लगती है। इस मंडी में हम लोग मौजूद हैं और आपको दिखाएँगे मंडी के हालात, लेकिन उसके साथ जो फार्म्स मौजूद है यहाँ पर उनका भी विज़िट किया जाएगा और उनसे बात की जाएगी कि ये जो बैल्स हैं इनकी कीमत क्या है और पिछले साल क्या हालात थे और इस साल क्या हालात हैं, और जो ख़रीदने वाले लोग हैं उनसे भी बात की जाएगी। तो हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे इस जानवर का, इस बैल का जो मालिक है उनसे हम पूछेंगे कि इसको क्या खिलाया है और इसकी खुराक क्या है। और अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप? तबीयत ठीक है? माशाल्लाह आपके इस फार्म में काफ़ी बड़े बड़े बैल हैं, इसकी खुराक थोड़ी सी बताएं और मार्केट के क्या हालात हैं, पिछले साल क्या थे अब क्या है और तफसील थोड़ी सी बताएं। मार्केट के हालात बिल्कुल ठीक है, हमारे जानवर अल्लाह के हुक्म से बिक रहे हैं, जो किसी की जहां भी कोई किसी की चॉइस होती है वहां से वो जानवर लेके जा रहा है। अच्छा जी, तो पिछले साल हमने देखा कि बाकायदा नाम रखे जाते हैं खूबसूरत बैल को खरीदने के लिए, उनके मुख्तलिफ नाम होते हैं, नाम से पुकारा जाता है। ये कौन सा जानवर? ये चोलिस्तानी नस्ल है राजनपुरी, इसका वाइट कलर में जो आता है ना इसको चोलिस्तानी राजनपुरी बोला जाता है। अच्छा जी, तो ये कितने का है? इसका 12 लाख रुपये डिमांड कर रहे हैं। आप 12 लाख डिमांड कर रहे हैं, तो अभी कोई आया है जिसने आपसे तकरार की हो कि 12 नहीं भाई मैं आपको 10 दूंगा, 8 दूंगा या 6 दूंगा? तकरीबन 7 लाख रुपये इसकी, इसका 7 लाख लग चुका है, लग चुका है इस बैल जी। आपका क्या माइंड है? हमारा, हमने आखिरी इसको 8.5 लाख रुपया बोल दिया। आपने 8.5 लाख जी लास्ट बोला है? जी लास्ट कि हम 8.5 तक देंगे। हाँ जी, इससे मजीद मुझे ज़रा विजिट करवाएं, ज़रा दिखाएं। ये है जी, आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही प्यारा है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये कौन सा बैल है? ये भी साहिवाल से? अच्छा ठीक है जी, तो इसकी क्या डिमांड है? इसका भी 12 लाख डिमांड। इसका भी 12 लाख है, ठीक है। और वो जो खड़ा है वहाँ पर वो ब्लैक, उसका 15 लाख रुपए का, उसका 15, वो 15 क्यों? वो इससे बड़ा है थोड़ा सा ना। अच्छा, वजन का होता है? वजन। अच्छा, ये इतने बड़े कैसे हो जाते हैं और इसकी खुराक थोड़ी सी बताएं? सर, जो नजाब से नजाब हम खुराक इसको देते हैं, काला चना, गंदम, और साथ 5 किलो एक जानवर को दूध भी देते हैं। अच्छा, गर्मी को 1/2 किलो एक जानवर को मक्खन भी दिया जाता है, सर्दी को 1/2 किलो दूध के बीज देसी घी भी दिया जाता है। तो थोड़ा सा लाउड बोले, मुझे ये बताएं कि ये कितना अरसा लगता है इतने साइज में आने के लिए? सर, 5 साल लगते हैं तकरीबन। 5 साल तो आपने तो लगाया भी होगा खूब, क्योंकि रोजाना की इसकी खुराक है। जी बिल्कुल, पला हुआ है, बड़ा है, ठीक है ना, माशाल्लाह बहुत प्यारा है जी। तो इसका मतलब है कि आप जो पैसे मांग रहे हैं ये ठीक है जी, ठीक है, क्योंकि 5 साल आपने पाला है इसको अच्छी से अच्छी खुराक खिलाई है तब इतना बड़ा हुआ है। जी बिल्कुल ऐसे, ठीक है। तो बकरे भी रखे हुए आपने? हाँ जी, बकरे भी हमारे, एक बकरा हमारा 310 kg का हुआ है। 310 kg का उसका बोस्टर लगा हुआ, जुम्मे वाले दिन इधर आ जाएगा वो। 310 kg का है वो? हाँ जी। और ये कितने kg का? ये तकरीबन 25 मन होगा। 25 मन होगा जी, ठीक है। 25। और सबसे ज्यादा वजन आपके इसने? नहीं, वो बैल खड़ा है उसका, वो ब्लैक। हाँ जी, 45 मन वेट है, फैसलाबाद के पूरे पाकिस्तान की मैच में टॉप पे आया वो। 45 मन इस वक्त चल रहा है लाहौर में, ये आपके पास यहाँ पे खड़ा जी। है। इनके नाम भी रखे हुए हैं? वो शेरे पाकिस्तान है, वो शेरे लाहौर है, शेरे दूसरे नंबर पे है, शेरे लाहौर भी दिखाए। ये शेरे लाहौर है भाई, थोड़ा सा साइड पे ये वाला शेरे लाहौर वो बैठा हुआ पड़े। अच्छा, वो बैठा हुआ है शेरे लाहौर, वो देसी की कैटेगरी में ना। अच्छा, फर्स्ट है वो पाकिस्तान लेवल पे जो मैच होती है। इसके मुकाबले भी होते हैं? हाँ जी, मुकाबले फैसलाबाद। दो तरीके और वजन देखा जाता है और उसकी मतलब की देखभाल देखी जाती है। हाँ जी, फिर इनाम भी मिलता है? जी इनाम भी मिलता है। हमने 8 लाख रुपया इनाम उठाया, 2 जानवर जो हमारे बछड़े गए, एक ये बकरा गया, 4 लाख बकरे का नाम था। अच्छा, 2-2 लाख रुपए बछड़े का नाम था, 2-2 लाख रुपए बच्चे का नाम था, ठीक है। काफी लोग भी यहाँ मौजूद है, मैं उनसे भी बात करूंगा, उनको कैसा लग रहा है भाई? ये कैसे हो आप, सब ठीक हो? शुक्र मजा। कैसा जानवर है? बहुत सोना माशाल्लाह। कुर्बानी कर रहे हो उस दफा? नहीं आती, नहीं। आप क्यों नहीं कर रहे? अगले साल करेंगे। अगले साल करेंगे? हाँ जी, आप थोड़ा सा आगे आएंगे। कैसा जानवर है? बहुत अच्छा जानवर है। क्या रेट चल रहे हैं? बहुत रेट है। फैमिली के भी कुछ लोग? सर जी, सर इंजॉय कर रहे हैं? हाँ इंजॉय कर रहे हैं, देख रहे हैं। कैसा लग रहा है? माशाल्लाह बहुत प्यारे हैं। प्यारे हैं ये? हाँ बहुत प्यारे हैं माशाल्लाह। अच्छा, इनका ये है कि चीज देखने वाली है, ये अच्छे लग रहे हैं, बहुत प्यारे हैं माशाल्लाह। इनके बस नसीब में करे जो भी कोई लेके जा रहा है। हाँ बस यही हमारी तो है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, आए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, उनसे बात करते हैं। अच्छा, इसको जो इसका जो कारीगर है, इसकी जो देखभाल करता है वो, उसको जरा बुलाएं, उससे बात करते हैं, क्योंकि
उसकी निगरानी में होता है, क्या हाल है? कारीगर हो आप इसके? जी भाई। करते हो? जी कैसे देखभाल करते हो? इनकी गुस्से में आया, गुस्से में आके कारीगर को? हाँ भाई, हिट किया हो? नहीं भाई, गुस्सा भी कर लेता है कभी कभी। किस बात पे गुस्सा करता है? गुस्सा भाई करता है, इनको जो मारते हैं ना फिर वो गुस्सा करते हैं। मारते क्यों? मारने तो नहीं चाहिए। नहीं, वो डांटते हैं ना तो टक्कर भी तो मारते हैं ना भाई। सीधी है? हाँ जी। तो गुस्सा क्या करते हो? बोलते हो कुछ के मुख्तलिफ आवाजें निकालते हो क्या? नहीं, फिर इनको भाई समझाना पड़ता है। गपशप लगती है इसके साथ? क्या गपशप लगती है? इनकी आवाज होती है। कौन सी आवाज? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है भाई, ये चौकस रहते हैं। अच्छा, अलर्ट हो जाते हैं जिस आवाज से? जी भाई। और क्या आप इससे बातचीत करते हो? और सारे दोस्ती ने भाई। चले जरा मेरे साथ करें, जरा इधर आए, जरा कैमरा लेकर आए। ये आप देखे इनकी जुबान में बात होगी। भाई वो अभी मसलूफ है ना, थोड़ा खाना खा रहा है ना। खाना खाने के दौरान डिस्टर्ब मत करो, मार देगा वो। ये भी नहीं देखेगा ये मेरा मालिक है, ये कारीगर है। हाँ जी, ऐसा ही है ना? जी बिल्कुल। अच्छा, और क्या देख, इसको नहलाते हो रोजाना? क्या करते हो आप? इनको भाई खाना शाना खिलाते हैं, नहाते हैं भाई इनको। अच्छा, ठीक है। खाना शाना ये एक तो ये खा रहा है ना चारा जी, इसके अलावा क्या देते हो? इनका भाई देसी बंडा है, मकई का दलिया, चने का दलिया, गंदम का दलिया, घी भी देसी खाते हैं। देसी खुराक है ना, देंदे होते हैं माशाल्लाह जान। हाँ जी भाई, आप भी खाया कर बाजी फिर जी। जी आप भी खा लिया अगर, कुछ नहीं होता, कोई मसला है जी। अच्छा सर, अब तक कितने बैल मौजूद हैं आपके इस फार्म? यहाँ हमारे 8 जानवर मौजूद है, बाकी सेल हो गए हमारे। बाकी सेल हो चुके? जी सेल हो चुके। तो मजीद आएंगे? और नहीं, मजीद नहीं, ये बस यही है। हाँ जी, यही सेल। चले बकरों के पास चले, बकरे दिखाए। अच्छा, ये 5 साल उन्होंने कहा, 5 साल में ये तैयार हुआ ना? बड़ी मेहनत है जी। आगे बढ़ते हैं। सर क्या देखने आए हैं? जी कुर्बानी के जानवर देखने आए हैं। लिया भी है कि नहीं? नहीं लिया नहीं अभी तक। अभी नहीं लिया? क्या मूड है, माइंड क्या है? माइंड इधर तो कीमत ही बहुत ज्यादा है। कितनी कीमत है? आपने लेना क्या है, बैल लेना है, बकरा लेना है, क्या है? मैं उनसे बात करता हूँ, कुछ बातचीत हो जाएगी। नहीं अभी इधर तो नहीं ले सकते हम। क्यों नहीं? पौन से बाहर है? हाँ जी। कितनी पौन से बाहर है? ज्यादा पौन से बाहर? बहुत ज्यादा पौन से बाहर है। बहुत ज्यादा? हाँ जी। अच्छा, आप क्या कहते हैं? अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, वालेकुम। महंगाई बहुत है, क्या करें, कोशिश कर रहे हैं, देख रहे हैं कहीं। अगर ये शेर लाहौर में, ये मालिक आपको दे दे, ले जाओ जी। कैसे पालोगे? पालेंगे, पालने की ताकत नहीं रखते हम, कैसे पालेंगे? हम तो खरीदने के लिए आए हैं। आप पाल भी नहीं सकते? हम तो इसलिए आए कि बकरा वगैरह। ये देख ले जी, ये शेर है लाहौर को कोई पाल नहीं सकता भाई। जी जी, नहीं पाल सकते, नहीं नहीं, हम नहीं पाल सकते। बच्चों को पाल रहे हैं। एक सेकंड, मैं अपने प्रोड्यूसर को कहूंगा कि ये शेर है लाहौर की तस्वीर लगाए दूसरी साइड पर जी, और शेर लाहौर को कोई पाल नहीं सकता। नहीं पाल सकते क्योंकि बच्चों का पेट बड़ी मुश्किल पालते हैं, शेरों को कौन पाले? शेरों को कौन पाले जी? बस कोशिश तो हम यही करने आए हैं कि कोई हल्का फुल्का जानवर मतलब है, कुर्बानी इसका मतलब है कि इनकी हिम्मत है ना, ये इनकी हिम्मत है क्यों? शेरू को, ये शेरू पाल सकते हैं। एक वो दो तीन नाम और बताए उन्होंने। पाल सकते हैं क्योंकि इनके पास इन्वेस्टमेंट है, पैसा है, इन्वेस्टमेंट करके बैठे हुए हैं, तो ये सालाना बेचते हैं। बिजनेस है इनका, कारोबार है, ये तो कर सकते हैं। हम तो मजदूर है, हम तो देखने के लिए। 5 दिन रख लेना आप। नहीं रख सकते? रख ले 5 दिन। एक दिन भी नहीं रख सकते ना? एक दिन भी नहीं? एक दिन भी नहीं रख सकते? क्या खर्चा होगा इसका? जो एक दिन का खर्चा होगा उतने में हम बकरा खरीद के कुर्बानी कर लेंगे। तो 2-3 किलो देसी घी खिला दो डेली बस, कुछ हम खुद देसी घी नहीं खाते, हम इनको कैसे खिलाएं? नहीं ये तो शेर है ना, उसको हम देखे। डाल्टा घी भी हमारी पहुंच से दूर होता जा रहा है, आप तो देसी की बात करते जा रहे हैं। अच्छा, यानी कि आप एक दिन भी नहीं रख सकते? नहीं हम नहीं रख सकते। चले जी, ऐसा कोई शख्स ढूंढेंगे कि वो एक दिन इसको रखने के लिए राजी हो जाए, सिर्फ रखना है। नहीं रख सकते, हम तो एंजॉयमेंट करने के लिए आए हैं, देखने के लिए आए हैं। सिर्फ एंजॉय करने के लिए? जी बिल्कुल। आप बताएं जी। जी अच्छे जानवर है। अच्छे ने जी? इतना घूमे हो क्यों यार, डर नहीं लग रहे तुम्हें? नहीं डर नहीं लग रहा। फिर चक्कर आ रहे ने? नहीं चक्कर नहीं आ रहा। फिर घबराया क्यों है? वो गाड़ी लेता वो। नहीं तेनू शेर कुछ कहंदा कोई नहीं, टेंशन नहीं लेनी है, कुर्बानी करनी है। इंशाल्लाह अल्लाह देगा तो इंशाल्लाह जरूर करेंगे। ठीक है जी, आगे चलते हैं, आगे खवातीन से बात करते हैं। आप ही कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है माशा। ये मैंने इनको कहा है कि एक दिन के लिए शेर लाहौर को ले जाए, एक दिन के लिए पाल ले जी, तो कहते हैं हम नहीं, एक घंटा भी नहीं रख सकते जी, बिल्कुल नहीं रख सकते, खर्चे बहुत है, महंगाई है जी। तो खवातीन आप बेहतर जानती है किचन कैसे चलता है, क्या हालात चल रहे हैं, तो थोड़ा सा बताएं जी। बच्चों को बहुत मुश्किल से पाल रहे हैं और हम इसको कैसे रख सकते हैं? नहीं रख सकते ना जी, बिल्कुल।
तो हालात बहुत बहुत ज्यादा टाइट है, बहुत ज्यादा टाइट है जी, बिल्कुल ठीक है। अभी आप लोग एंजॉय करने आए बच्चों के साथ? जी बच्चों के साथ एंजॉय कर। कैसा लगा शेरू? बहुत अच्छा लगा। अच्छा था, लेके जाना साथ? नहीं नहीं, हम लेके जा नहीं सकते सर। चले आगे बढ़ते हैं, और भी लोग हैं यहाँ पर, उनसे भी बात करते हैं। ये बकरा दिखाएं, ये दिखाओ, ये दिखाओ। मेरे भाई नाम क्या आपका? सिराज है। सिराज अमन। सिराज भाई इसका क्या नाम है? अमन भाई है। अमन भाई। अमन भाई हाँ जी। अमन से रहता है? हाँ जी। शांति के साथ? शांति। कभी टोटे शोटे मारे हैं नहीं? क्यों डट मारा जाए? वे नहीं है। हाइट देखें इस बकरे की, थोड़ा सा पीछे हो बेटा, ये शोल्डर तक इस बकरे की हाइट आ रही है। ये देखें इसका वो, ये जो इसका सर है इसके शोल्डर तक आ रहा है। इसको क्या खिलाया? दूध और चना। कितना खर्चा है एक दिन का? कितने का खर्चा है इसका? 500 रुपए का डेली। 500 का इसका खर्चा? खुद खाए या ना खाए इसको खिलाओगे? हाथ में खिलाए। तेरा भी रंग पीला है ना, आप भी खा लिया कर। हैं? आप भी खा। 200 आप खा लिया कर, कोई नहीं 300 इनू खा। नहीं ये पूरा 500 खाएगा। पूरा 500? तो कितने का ये? 450,000। 4,00,000 रुपए दिखाएं जी। ये 4,00,000 रुपए है अमन, 4,00,000 का ये। ये 4,00,000 है और ये सारे बकरे हैं। ये कितने के जी का है? कितने के जी का है बकरा? के 4,00,000 का है, 5,00,000 का जी। 4,00,000 का, 5,00,000 का? 4,00,000, 5,00,000 से नीचे नहीं है। इतने का है? इतने का है। अब तक कितने बेचे हैं? बकरा बेचा है 50 बकरा बेच चुका है। 50 बेच चुके हो? अब तक 50 बेच चुके हो। कितने रह गए? 10 बकरे रह गए। आज की रात ही है भाई? हाँ आज की रात है। बिक जाएंगे इंशाल्लाह? लोग आते हैं देखते हैं, पसंद करते हैं? पसंद करते हैं, बहुत पसंद। ये पप्पी कर रहा है तुझे? हाँ जी। वो कर रहा है, प्यार कर रहा है? हाँ जी प्यार कर, प्यार करता है ना। टोटा ना मार दे तेने। आगे 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 बढ़ते हैं। भाई नाम क्या है इसका? शेरे पाकिस्तान। ये शेरे पाकिस्तान है, वो शेरे लाहौर है जी। शेरे लाहौर इधर बैठा है। शेरे लाहौर इधर है, ये शेरे पाकिस्तान है, उससे हैवी है। हाँ जी, 45 मन इसका वेट। 45 मन इसका वेट है। वेट है जी। कितने का है ये? 50,00,000 रुपए डिमांड का। 5,000,000 जी। 50,00,000 जी। अब तक कितना लग चुका है इसका? इसका अब तक 30-32 लाख रुपए डिमांड कराची से हमें कर रहे हैं। 30-32 डिमांड आ रही है आपको इस वक्त? आ रही है आपको? तो कहाँ तक माइंड है? तकरीबन हम 40 के 40 तक आप दे देंगे जी। 40 का। अगर ये शेरे पाकिस्तान है और वो शेरे लाहौर था जी, शेरे पाकिस्तान का क्या खर्चा है? तकरीबन इसका डेली 10 किलो दूध है, 10 किलो दूध, 1 किलो मक्खन। अच्छा, 1 किलो सर्दी में देसी घी दिया जाता है इसका डेली? डेली की खुराक है इसकी? हाँ जी इसकी। इतना अमन पसंद क्यों है? बड़ा खामोशी शरीफ है ये। जब जानवर इतना वजन कर जाता है ना तो बिल्कुल अपनी मस्ती छोड़ जाता है। और जब ये गुस्से में आता है तब क्या करेगा ये? जब ये गुस्से में आएगा तो किसी लोगों को मारेगा भी। नुकसान ज्यादा करेगा? नहीं, ज्यादा नुकसान नहीं करेगा, बस हाँ। ऐसे जैसे गुस्से में कब आते हैं ये? आप तो 5 साल पालते हैं ना इसको? जी जी। तो ऐसा क्या होता है कि ये गुस्से में आते हैं और फिर इसको शांत कैसे करते हैं? गुस्से में जब आते हैं जानवर, जब इसको छेड़ता है ना तब उस टाइम गुस्से में, जब कोई पंगा लेगा तो फिर उल्टा आएगा। हाँ जी फिर उल्टा आएगा। अगर प्यार करेगा तो ऐसे ये नीचे। अब तक कितने लोगों को जो पंगा लेने वाले उनको सबक सिखा चुका है? तकरीबन 8-10 लोगों को सिखा चुका है। 8-10 लोगों को सबक सिखा चुका है पंगा लेने पर? हाँ जी। यानी कि शेरे पाकिस्तान से पंगा नहीं लेना? नहीं लेना बिल्कुल, शराफत के साथ पेश आना। हाँ जी बिल्कुल, वरना बड़ी पड़ेंगी जी बिल्कुल ऐसे। ये देखें जी, दिखाएं ये वेट दिखाएं और इतना ये क्यों पहना दी? ये खूबसूरती के लिए। ये जेवर है इसका? हाँ जी जेवर, जेवर ही कहेंगे ना? हाँ जी जेवर ही कहेंगे। की हाइट मेरा ख्याल है कि 6 फुट लग रही है, 7 फुट। ये दिखाएं जी इसकी हाइट, एक सेकंड इसकी हाइट देखते हैं। ये तो 7 फुट तक है मेरे भाई जी। सर 7 फुट, 7 फुट तक शेरे पाकिस्तान आपके पास मौजूद है? जी सर मौजूद है। क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ जी लेके जाना है? अल्लाह ताला देगा तो लेंगे इंशाल्लाह। पाल लोगे 2 दिन? कोशिश तो पालने के लिए अगर दे तो ले जाओगे? अल्लाह देगा तो कोशिश भी हो जाएगी। कोशिश ये तो देने की बात है ना। 1 किलो देसी घी डेली, 10 किलो दूध, माशाल्लाह जी दे सकते हैं? 5 दिन के लिए ले जाए, ले जाए 5 दिन के लिए। अल्लाह ताला जब देगा तो जरूर करेंगे, जरूर करेंगे। ये तो देने की बात है ना। इधर आओ भाई। और 10 किलो दूध पींदा है
ਆਪ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ? ਅਸੀਂ ਆਪ ਸਰ ਇਹਦੀ ਕੇਅਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਕਰੀ ਦੀ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਆਪਣੀ। ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਤੇਰੀ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੀ ਸਿਹਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆਪਣੀ ਨਾ ਵਿਗਾੜ ਲਈ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਹੈਂ ਪੀ ਲਿਆ ਕਰ ਕੋਈ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਚਲੋ ਜੀ ਅੱਗੇ ਬੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਬੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਨਾਬ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਅੱਗੇ ਬੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਸੋਨੇ? ਇਹ ਹੈਗਾ ਭਾਈ ਜਾਨ ਤਕਰੀਬਨ 75,000 ਰੁਪਏ ਦਾ। 75,000 ਦਾ? ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਨਾ ਗੁੱਸਾ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਫਾਈਨਲ ਹੈ, ਹੈਂ ਫਾਈਨਲ ਇਹਨੇ ਦਾ। ਵੈਸੇ 90,000 ਵੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ। 90 ਕਿਉਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ? ਨਾਲ 75 ਪਹਿਲੇ ਕਹਿ ਗਏ, ਫਿਰ 90 ਕਿਉਂ? 90 ਮੰਗੀ ਦਾ ਨਾ ਭਾਈ ਜਾਨ, ਫਿਰ ਗਾਹਕ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਫਾਈਨਲ 75 ਫਾਈਨਲ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਕੁਛ ਖਵਾਉਂਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਖਵਾਈਦਾ ਸਾਰੇ, 12 ਵਜੇ ਦਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਯਾਰ, ਹੁਣ ਭੁੱਖਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਨੂੰ ਰਿਜਾਵ ਸੁਭਾ। ਨਹੀਂ ਭੁੱਖ ਤਾਂ ਲੱਗ ਹੀ ਗਈ ਅਕਸਰ, ਜਾਨਵਰ ਮੰਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਕੀ ਖਵਾਉਂਦੇ ਇਹਨੂੰ? ਭਾਈ ਜਾਨ ਪੱਠੇ ਪਾਈ ਦੇ, ਮਕਈ ਪਾਈ ਦੀ, ਚੋਕਰ ਪਾਈ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਘਿਓ ਨਹੀਂ ਖਵਾਉਂਦਾ? ਨਹੀਂ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾਨ, ਸਿਰਫ ਪੱਠੇ ਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਪੱਠੇ ਤੇ ਚੋਕਰ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਖਾਲ ਵਗੈਰਾ। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਹੋਏਗਾ 2-2.5 ਸਾਲ ਦਾ। 2-2.5 ਸਾਲ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ 2-2.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਾਲ ਰਹੇ ਇਹਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਆ ਗਏ ਅੱਜ, ਜਰਾ ਕੈਮਰਾ ਲੈ ਕੇ। ਮਾਰੇਗਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ? ਨਹੀਂ। ਇਧਰ ਆ ਜਾ ناظرین, لاہور شہر پنجاب کا سب سے بڑا شہر اور پنجاب کے مختلف علاقوں سے بیوپاری آتے ہیں بیوپار کرنے مال مویشیوں کے ساتھ۔ ساہیوال آپ چلے جائیں, ساہیوال سے زیادہ آتا ہے مال مویشی لے کر آتے ہیں لوگ۔ یہ بیوپاری ابھی یہاں پر کھڑے ہیں, ان سے میں بات کروں گا کیا حالات ہیں منڈی کے۔ مہنگائی تو بہت ہے, اور بہت مہنگائی ہے۔ ہاں بھائی کیا سین ہے, کتنے کا ہے گاہک ہے؟ ہاں گاہک ہے, مول گھاٹا تھا۔ ਗੋਸ਼ ਨੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ। ਦਰਖਤਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਦਰਖਤ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈਣ ਨੇ। ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰਾਤ ਯਾਰ, ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨੀ। ਮਾਈਂਡ ਕਿਆ ਆਪਕਾ? ਮਾਈਂਡ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਹਮ ਕੋਈ ਵੈੜਾ ਲੈਣੇ ਆਏ ਹੈਂ। ਵੈੜਾ ਲੈਣੇ ਆਏ? ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਹੈ ਜੇਬ ਮੇ? ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 70,000। 70,000 ਤੱਕ ਆਪਕੋ ਯੇ ਹੈ ਕਿ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ? ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ, ਅੱਲਾ ਕੀ ਆਸ ਪੇ ਨਿਕਲੇ ਹੈਂ, ਮਿਲੇਗਾ। ਬੱਕਰੋ ਕੋ ਵੈਸੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂ ਬੱਕਰੋ ਕੋ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਂ ਕਿ ਕੋਈ ਬੱਕਰਾ ਅੱਛਾ ਲਗੇਗਾ ਤੋ ਬੱਕਰਾ ਲੈ ਜਾਏਂਗੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਿਆ ਕੀਆ ਥਾ? ਪਿਛਲੇ ਤਾਂ ਵੈੜਾ ਕੀਆ ਥਾ। ਵੋ ਕਿਤਨੇ ਕਾ ਮਿਲਾ ਥਾ? ਵੋ ਤਕਰੀਬਨ ਮਿਲਾ ਥਾ ਮੁਝੇ 50,000 ਕਾ। 50,000 ਕਾ? ਤਬ ਨੂਨ ਲੀਗ ਕਾ ਦੌਰ ਥਾ। ਨੂਨ ਲੀਗ ਕਾ ਦੌਰ। ਅਬ ਨਯਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ। ਅਬ ਨਯਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਪਹਿਲੇ ਠੀਕ ਥਾ? ਅਬ ਠੀਕ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਠੀਕ ਥਾ। ਮਾਲ ਮਵੇਸ਼ੀਓ ਮੇ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਠੀਕ ਥਾ? ਪਹਿਲੇ ਠੀਕ ਥਾ। ਅਬ ਨਹੀਂ ਠੀਕ? ਅਬ ਨਹੀਂ ਠੀਕ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਸ ਪੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾ? ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੈਸੇ ਵੋ ਕਰਤੇ ਹੈ ਨਾ ਬਾਤੇ, ਤੋ ਕੋਈ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਇਨਕੇ ਉਪਰ। ਅੱਛਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਫੀਆ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਖੁਫੀਆ ਟੈਕਸ ਵਾਲਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਧਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਧਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਯਹੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੋ ਆਤੇ ਹੈ ਵੋ ਕਹਿ ਦੇਤੇ ਹੈ ਜੀ ਹਮਨੇ ਇਤਨੇ ਕੀ ਪਰਚੀ ਲੀ ਹੈ, ਯੇ ਕੀ ਹੈ ਵੋ ਕੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਯੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਤੋ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਆਪ ਯੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਪ ਢੂੰਢ ਰਹੇ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਹਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਚਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਅੱਗੇ ਬੜ੍ਹਦੇ ਹੈਂ, ਅੱਗੇ ਬੜ੍ਹਦੇ ਹੈਂ। ਕਰੋ ਕਰੋ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਆਰਾਮ ਕੇ ਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਭਾਈ। ਕਰੇ ਕਰੇ ਕਿਆ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੈ ਸਰ? ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ? 1,05,000 ਜੋੜੀ ਦਾ। ਜੋੜੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਜੋੜੀ ਦਾ। ਜੋੜੀ ਕੇ ਮੰਗ ਰਹੇ ਭਾਈ 1,05,000।
आपका क्या माइंड है? आपका क्या माइंड? मैंने कहा 70 में दे दो। 70 में दो दे दो। हाँ भाई दे दो। नहीं जी नहीं, नहीं हमारा नहीं। क्यों भाई मेरा इतना किराया कहाँ से ले आओगे हम? 500 रुपए 600 रुपए तो यहाँ का है। 70,000 दे रहा है वो? हाँ 70,000 के पैसे 80,000 दे दे। आपका क्या माइंड है लास्ट? हाँ 90,000 रुपए। 90? हाँ जी। 70 भाई 70 भी बहुत ऊपर है। 70 भी ज्यादा है। देखो बकरे तो देखो। बकरे कौन सी? आओ जरा 70 जो लगा है। आए जरा बकरों के पास आए। 70 किसका लगा भाई? साइड पे हो जा भाई। ये वाला आगे आगे आओ। साइड पे साइड पे साइड पे साइड आ जाओ। ये 70 बिल्कुल जायज है। जायज वो कह रहा है? जायज हाँ जी वो कह रहा है 70 जायज है। उसको क्या आना जायज है? हमारा जायज तो नहीं है ना। बताए जी पिछले साल की थी कुर्बानी? हाँ जी। क्या था रेट? तकरीबन 30 को था जोड़ी का। एक का। अब ज्यादा ज्यादा इसकी वजह क्या? इन लोगों को तो टैक्स का भी नहीं पता। तो अभी टैक्स इंप्लीमेंट तो सुना नहीं है कि यहाँ है कि नहीं है। इनको तो पता टैक्स पता है की होती है टैक्स की होता है हमें नहीं पता। फिर भी इन्हें मांग रहे बस क्या कह सकते हैं मर्जी है। पहले ठीक था क्या? हालांकि जानवर बहुत है गाहक है ही नहीं गाहक यही बकरा 80,000 में मिल रहा था हमारे को जोड़ी। अभी हम इधर से आए थे एक बंदे ने इससे भी हैवी बकरा 42 में खरीदा खरीदा हाँ फिट बकरा वो चला नहीं जाता बकरा। इसका कितना वजन होगा? इसका तकरीबन गोश्त का हाँ इसका 32 किलो 32 किलो फिर भी कितना बनता है? 60 किलो दोगा 60 किलो बनेगा हाँ जी 60 का क्यों 65 किलो बनेगा? अच्छा 65 किलो ना आया तो हम बकरा फ्री देंगे। वो कह रहा है 65 ना हो तो बकरा फ्री दे देंगे। नहीं इसको मल्टीप्लाई कर लेना गोश्त के रेट से मल्टीप्लाई कर ले फिर क्या क्या चल रहा है गोश्त का क्या रेट चल रहा है क्या चल रहा है गोश्त? एग्जैक्टली नहीं पता कभी लेने नहीं। 1,000 रुपये किलो 1,000 रुपये किलो आमने से ज्यादा पैसे लगा दिए हैं कि 32 इसकी वैसे कॉस्ट है। सुन तो ले 1,000 लगे 700 रुपये किलो ले लो भाई साहब 700 रुपये किलो ले लो। गोश्त कितना है? जितना उतने पैसे 700 रुपये किलो कह रहे ना तो लेंगे ना 700 रुपये किलो के हिसाब से जितना वजन होगा पैसे दे दिए हमारे को। तोलो बेना दो बेना दो हाँ भाई चुप रहे यार तो हो गया रेट बेना दो हो गया रेट हो गया कि नहीं क्या से क्या कहते हैं बयाना मांग रहे हैं तोल के बाद ये तोल के देंगे 700 में गोश्त है ये टांग भी दे रहे हैं हर चीज अंदर दे रहे हैं वेस्ट। चुप यार हाँ जी 150 लगा 150 क्या लगा है 150 बकरा है आपके पास? हाँ जी दे दो बयाना 700 के हिसाब से 700 के हिसाब से हाँ जी 700 रुपए किलो जी सिर्फ गोश्त जिंदा जिंदा देंगे हाँ जी जिंदा 700 सारे क्या करने उन्होंने तो सिर्फ दो चाहिए मैं दो की ठप्पी ले रहा हूँ दे दे उन्होंने बेचारे दे दे भाई ताबेदार भाई के बकरे मेरे भाई पिछले साल हमारे को 80,000 की जोड़ी के हिसाब से मिला था पिछले साल बड़ा सस्ता था काम। अब सुन पहले गाड़ी का देते थे 30,000 रुपए किराया अच्छा। अब क्या है 45,000 रुपये बैठने की जगह का दिए 300 रुपये अब हो रहा है 550 रुपये। इस व्यापारी का कहना है कि पेट्रोल का जो रेट है वो बढ़ चुका है। हाँ जी अब जब वहाँ पर जब वहाँ से लेकर आते हैं माल मवेशी तो पेट्रोल ज्यादा लगता है पेट्रोल की कीमत बढ़ी है हम उतने पैसे मांग रहे हैं इनकी देखभाल करना बहुत मुश्किल है एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाना ये बहुत बड़ा मसला है। कमेटी वालों का मसला है फिर यहाँ का रेंट दिया होगा पे किया होगा 5 दिन 10 दिन ये रखा होगा ये इनको चार्जेस जो है वो अदा करने पड़े इस वजह से ये लोग कह रहे हैं कि हमें इस साल आवारा नहीं खा रहे इस वजह से आवारा नहीं खा रहे हम लोग आए हैं ना इधर आए मसल हम भी रोजी के लिए पुलिस वाले अलहदा तंग कर रहे पुलिस वाले सुने कमेटी वाले अलहदा तंग कर रहे आई जी पंजाब मैं थक गया मैं थानू कहंदे कहंदे कुछ खुदा दा खौफ करो अपने अहलकार जड़े फिरदे ने ना मैं उनमें पंजाबी च कह रहे आई जी साहब थानू अगे मैं उर्दू च कहा सी ते खुदा दा वास्ते इन्हां नू जरा लगाम पाओ ए आंदे ने बेचारे व्यापारियों नू तंग करदे ने हां पुलिस वाले की कहंदे ने पैसे असी गड्डी रोकी 4 गड्डियां रोकियां पहले एक का आ गया उन्हां नू दित्ता 4,000 1,000 पुलिस वाला फिर हां पुलिस वाला फिर दूसरा आ गया ए चौकी दे उत्तों फिर तीसरा आ गया फिर मैनू थाने चौकी च ले जाके बिठाता उन्होंने सुबह तो लैके 2 बजे तक ये पट्टी साहब आए इन्हां ने आके मिन्नत तरला करके मैनू उठाया चौकी सगियां लगती है चौकी सगियां वालों ने इनसे एक दफा 4,000 लिया दूसरी दफा कितने दिए
2000 ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ ਆਈ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਾ ਪੈਸੇ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਕੁਛ ਕਰੋ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਉਸਨੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਥਾ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਥਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਚਲੋ ਇਤਨਾ ਦੇ ਦੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕਿਰਾਇਆ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਾ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਾ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਆਏ ਦੋ ਬੱਕਰੇ ਚੁੱਕ ਲੈ ਗਏ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਆ ਟੀਐਮ ਹੈ ਟੀਐਮਏ ਰਾਵੀ ਟਾਊਨ ਸੁਨੇ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਉਹ ਵੀ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੋ ਉਹ ਹਦੂਦ ਪਿੱਲਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਖੋਲ ਕੇ ਲੈ ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਮਿੰਨਤ ਤਰਲਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਠਿਆਈ ਦਿੱਤੀ ਬੱਕਰੇ ਲੈ ਆਏ ਦੂਸਰੇ ਕੱਲ ਫੇਰ ਆਏ ਦੁਪਹਿਰੇ ਫੇਰ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾੜਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖੋਲ ਕੇ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਚੁੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਜਗ੍ਹਾ ਟੈਕਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿਓ ਭਾਈ ਜਗ੍ਹਾ ਪੰਜਾਬ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫੇਰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਦੇ ਕੇ ਫੇਰ ਮੈਂ ਦਿੱਤੇ 10,000 ਰੁਪਈਆ ਪੁਲਿਸ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਛਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ 10,000 ਰੁਪਈਆ ਮਿਲਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵਪਾਰੀ ਕੋ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਹਿਲੇ ਤਲਖ ਕਲਾਮੀ ਕਰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਉਸ ਕੋ ਉਠਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਖੁਦਾ ਕੀ ਕਸਮ ਮੈਨੇ ਇਹ ਬਾਤ ਇਨ ਸਾਰੋਂ ਕੋ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਾ ਸਾਰੋਂ ਕੇ ਪਾਸ ਚਲੋ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਕੋਈ ਆਓ ਹੀ ਨਾ ਕਸਮ ਖਾ ਲੋ ਲਾਹੌਰ ਮੇ ਆਓ ਹੀ ਨਾ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰ ਥੋੜੇ ਆ ਯਾ ਹਮਾਰੇ ਬੱਕਰ ਮੇ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਬਿਕਤਾ ਇਹਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਤੂੰ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਸਰ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ ਆਇਆ ਕਿ ਹਮਾਰੇ ਰਸੇ ਕਾਟ ਦिए ਬੱਕਰੋਂ ਕੇ ਬੋਲਨੇ ਲਗਾ ਵੀ ਸਵੇਰ ਕਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਾਸ਼ਤੇ ਕੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ ਕੋ ਖਰਚਾ ਪਾਣੀ ਦੋ ਇਹ ਤੋ ਬੱਕਰੇ ਖੋਲ ਕੇ ਥਾਣੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗੇ ਆਪਕੇ ਬੱਕਰੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬਾ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬਾ ਲਾਹੌਰ ਮੁਹਤਰਮਾ ਮੈਡਮ ਆਪ ਕਾਬਲੇ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ ਹਮਾਰੇ ਲਈ ਕਾਬਲੇ ਇਤਰਾਮ ਹੈ ਆਪ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਟੈਕਸ ਬੰਦ ਕਰੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟਾਊਨ ਨੇ ਨਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਟੈਕਸ ਬੰਦ ਕਰਾਓ ਜਗ੍ਹਾ ਟੈਕਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜੀ ਹੈ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੰਬੂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਤੰਬੂ ਤੱਕਰ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਸਾਡੇ ਇਹ ਲੋਕ ਅਗਰ 10 ਦਿਨੋਂ ਮੇ 10 ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਯਹਾਂ ਪਰ 10 ਦਿਨ 5 ਦਿਨ 6 ਦਿਨ ਯਹਾਂ ਰਹਿਣਗੇ ਤੋ ਅਗਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਐਸੇ ਲੋਕੋ ਕੋ ਦੇਂਗੇ 2000 3000 ਜਗ੍ਹਾ ਟੈਕਸ ਦੇਂਗੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੋ ਕੋ ਤੋ ਇਨਕੋ ਕਿਆ ਬਚੇਗਾ ਫਿਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਇੱਕ ਬੱਕਰੇ ਕਾ 1 ਲੱਖ ਹੀ ਮੰਗੇਗੇ ਨਾ ਫਿਰ ਕਿਤਨਾ ਮੰਗੇਗੇ ਜਬ ਪੈਸੇ ਵੋ ਜੇਬ ਸੇ ਦੇ ਰਹਾ ਹੈ ਅਭੀ ਬੱਕਰਾ ਵੇਚਾ ਨਹੀਂ ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਟੈਕਸ ਦੇ ਦਿਆ ਤੋ ਇਹ 1 ਲੱਖ ਹੀ ਮੰਗੇਗਾ ਇੱਕ ਭਾਈ ਨੇ 800 ਦਿਆ ਮੈਨੇ 1000 ਦਿਆ ਦੂਸਰੇ ਨੇ 500 ਦਿਆ ਪੁਲਿਸ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ ਭਾਜੀ लाहौर शहर में सबसे बड़ा मसला जब हम लोग जाते हैं व्यापारी के पास बकरे की कीमत तो वो 1,80,000 मांगते हैं लेकिन 1,80,000 क्यों मांगते हैं इसकी पीछे की कहानी क्या है इसकी पीछे की कहानी ये है मैंने पहले भी कहा कि जगह टैक्स लिया जा रहा है पुलिस वालों की जानिब से और TMA के अहलकार जो हैं वो आके जगह टैक्स लेते हैं इनसे तो तब जाके जब इनकी जेबें खाली होती हैं तो ये लोग 80,000 1,00,000 का मुतालबा करते हैं बकरे का ऐसा ही है कौन कौन तंग करते थानू जरा दसो पंजाबी कमेटी वाले जो हैं वो तंग करते ज्यादा अच्छा वो हम हमने पंजाबी बोलो पंजाबी असि आके बकरे थे उतारे ने उतारे ने ते साढ़े 3 बकरे उठा के ले गए असि बहुत मेहनत मसाज की थी लेकिन वो ले गए बकरे बाद में ये जिनकी जगह है वो गए उन्होंने 15,000 या 20,000 उनको दिया बकरे वापस ला के हमें दे दी यानी के बकरे उठा के ले गए अगवा करके ले गए आपने 20,000 दिया इसको बाज़ियाब करवाया हाँ जी वो बेचारा कौन सा बकरा था जिसको अगवा किया था दिखाओ ये बकरा अगवा हुआ था जी ब्रेकिंग न्यूज है इसको अगवा किया था हाँ सरकारी अहलकारों ने हाँ जी जगह टैक्स लेने वालों ने हाँ जी बिल्कुल एक ये था और कौन सा था और दो ये दो बकरे यहाँ से अगवा हुए थे हाँ जी तो कितने में बाज़ियाब हुए ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਿਰਾਇਆ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਪਲਾਟ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਰਾਇਆ ਲੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਮਕਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਬੱਕਰੇ ਛੜਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਮੁਕਮਕਾ ਕਿੰਨੇ 'ਚ ਹੋਇਆ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮੁਕਮਕਾ ਕਿੰਨੇ 'ਚ ਹੋਇਆ 15,000 15,000 ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਕਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਜਾਓ ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਅਗਵਾ ਹੋਏ ਸਰ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਤਲਾਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਟੈਕਸ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ ਗਾਹਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਪੂਰਾ ਸਾਨੂੰ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬੱਕਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਗਵਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਇਹ ਬੱਕਰਾ ਸਾਡਾ ਵੇਖ ਜੇ 50,000 ਦਾ 50,000 ਦਾ ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ 15 ਤੇ ਉਂਝ ਵੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਨਾ ਹਾਂਜੀ 50,000 ਦਾ ਵੇਖ ਜਾਏ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਦਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ 40-45 ਤੇਰਾ ਮਾਇਲ ਆਖਰੀ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਜੇ ਨਾ ਵੀ ਇਹ
50 ਦਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ੀ ਬਣਦੀ ਹੈ 50 ਤੱਕ ਵੀ ਕਿਹਾ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ੀ ਬਣੇਗੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ 15 ਜੇਬ ਉਹ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ ਹੈ ਚਲੋ ਐਸਾ ਸੀ ਵਪਾਰੀ ਹੋ ਗਾਹਕ ਹੋ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਆਈ ਜੀ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਸ ਇਹੀ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਕਰੇ ਜਿਹੜੇ ਫੜ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਆ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਹੈ ਇਹ ਹਾਲਤ ਦੇਖੇ ਇਨਕੀ ਕੱਪੜੇ ਦੇਖੇ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਕਿੱਥੇ ਫੋਟਾਬਾਸ ਦਾ ਏਰੀਆ ਅਸੀਂ ਫੋਟਾਬਾਸ ਚੋਂ ਇਸ ਜਿੰਨੀ ਆਵਾਮ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬੱਕਰੇ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦੇ ਪਾਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤਮਾਮ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਬੱਕਰੇ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਰਾਇਆ ਨਾ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਬੜੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਜਿਹਨੇ ਛੱਡ ਦਿਓ ਅੱਛਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਨਾਬ ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਰਾਤ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਹ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਚੋਰੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਕ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਰਾਤ ਇਹ ਬੰਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਜਨਾਬ ਇਹਦਾ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ ਜੀ ਆਦਮੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਚੋਰੀ ਮੇਰਾ ਬੱਕਰਾ ਔਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦੀ ਕਿਸੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਕੋਈ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਆਇਆ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਕਿੱਥੇ ਲੱਭਣਾ ਸੀ ਜੀ ਉਹਦਾ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਬੱਕਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪਹਿਚਾਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਚਾਨ ਮੰਡੀ ਫਿਰਿਆ ਨਾਪਦਾ ਰਿਹਾ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਫਿਰਿਆ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਇਹ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਕਿਹਨੇ ਦਾ ਸੀ ਉਹ ਐਸੇ 20-25,000 ਦਾ 25,000 ਕੱਪੜੇ ਕਿਸਨੇ ਫਾੜੇ ਆਪਕੇ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਪਾੜੇ ਕੱਪੜੇ ਤੋਂ ਜਾਨਵਰ ਲੱਦਣ ਲੱਗਿਆ ਫਾੜ ਗਏ ਹਾਂਜੀ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ 20-25,000 ਦਾ 25,000 ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਲੈ ਗਿਆ ਕੋਈ ਕੋਲ ਹਾਂਜੀ ਲੈ ਗਿਆ ਚੋਰ ਵੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਟੈਕਸ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਵਾਲੇ ਟਾਊਨ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਜਗ੍ਹਾ ਟੈਕਸ ਪੁਲਿਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਚੋਰ ਜਿਹਦਾ ਹੱਥ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀਰਾ ਬਲੇਡ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਆ ਕਸਟਮਰ ਖੜੇ ਅਭੀ ਯਹਾਂ ਸੇ ਬਕਰਾ ਅਗਵਾ ਹੁਆ ਥਾ ਜੋ ਬਾਜ਼ਿਆਬ ਹੋਇਆ ਇੱਥੋਂ ਨਾ ਇੱਕ ਬਕਰਾ ਅਗਵਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬੜਾ ਮਾਸੂਮ ਬੱਕਰਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਲਾਓ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਚਲੀਏ ਮਾਸੂਮ ਬੱਕਰਾ ਹੈ ਆਓ ਆਓ ਜ਼ਰਾ ਰੇਟ ਲਾਓ ਆਜੋ ਇਹ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਆਜੋ ਜਨਾਬ ਆਓ ਜੀ ਆਏ ਆਏ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਬੱਕਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਐਲਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਕਿੱਧਰ ਹੈ ਨਵੀਦ ਇੱਧਰ ਆਓ ਇਹ ਫੋਕਸ ਮਿਲੇ ਕਰੋ ਇਹ ਅਗਵਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪੁੱਛੋ ਜ਼ਰਾ ਰੇਟ ਕੀ ਇਹਦਾ ਕੀ ਰੇਟ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦਾ ਜੀ 55,000 ਰੁਪਇਆ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਛੋੜੋ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਆਦਮੀ ਛੋੜੋ ਦੰਦ ਕਿਤਨੇ ਦੰਦ ਕਿਤਨੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਆਪ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਇਹ ਦੰਦ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਦੋਂਦਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਮਨ ਵਜ਼ਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਮਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਨ ਵਜ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਟਿਆਂ ਹੀ ਫਰਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡੇ 30,000 ਵਾਲੇ ਭਰੂ ਆ ਤੁਸੀਂ 50,000 ਮੰਗ ਰਹੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ ਸਰ ਜੀ ਮਾੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਦਿਓ ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਜੀ ਇਹ ਜੀ ਇਹ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਏ ਹਾਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਏ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਥੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਜਿਹੜਾ 600 ਰੁਪਈਆ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਛਾ 600 ਰੁਪਈਆ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਆਦਮੀਆਂ ਕੋ ਕਿਆ ਕਸੂਰ ਹੈ ਕਿ ਆਪ 600 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਮੇ ਤੋ ਚਾਹੀਏ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨੀ ਹਾਂਜੀ ਦੋ ਦਾਂਤ ਹੈ ਇਸੇ ਦੋ ਦਾਂਤ ਜੋ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੇ ਕਾਬਿਲ ਹੋਗਾ ਜਵਾਨ ਆਦਮੀ ਹੈ ਜਵਾਨ ਬੱਕਰਾ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਾਸੂਮ ਹੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੋ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਹੋ ਉਸਕੀ ਪਰ ਇਹ ਵਪਾਰੀ ਜੋ ਹਜ਼ਰਾਤ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਰੇਟ ਡਬਲ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਆਵਾਮ ਸੇ ਭਾਜੀ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ ਬਾਈ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਹਮਨੇ ਖਰੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸੇ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ 30,000 ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਮਾਲ ਦੇ ਮੁੱਲ ਨਾਲ ਖਰੀਦਿਆ ਬਾਈ ਫੈਨਲ ਕਿਆ ਲੈਣਾ ਜੋੜੀ ਕਾ ਬਤਾਓ ਜੋੜੀ ਕਾ ਬਤਾਓ ਜੋੜੀ ਦਾ ਦੱਸ ਇਹ ਜੋੜੀ ਦਾ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓ 95,000 ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਲਓ ਜੀ ਦੋਨੋਂ ਭਾਈ ਹੈ 65,000 ਰੁਪਇਆ ਜੀ 67,000 ਰੁਪਇਆ ਲੈਣਾ ਦੇ ਦੇ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜੀ ਆ ਰਹੇ 70,000 ਫੈਨਲ ਮੈਂ ਦੇਣੇ ਤੋ ਹਮ ਤਿਆਰ ਹੈ ਇਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਗੇ ਹਮ ਚਲੋ ਜੀ 90 ਪੂਰੇ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ ਜੰਤਰ ਸਾਨੂੰ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ 20 ਰੁਪਏ ਦੀ ਇੰਨੀ ਗੁੱਟੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁੱਟੀ
20 रुपए दी 30 रुपए दी। सर जी ये व्यापारी हजरात जालिम हो गए हैं जो ना 30-35 हजार वाले बकरे का 60-70 हजार मांग रहे हैं, आवाम से ज्यादती है सर जी। मजदूर जालिम ही होता है, बड़ी बात है यार। छोटा पसंद आ गया भाजी। इसका क्या रेट है, इसका क्या रेट है की कहते हो? ठीक है प्यारा, ये बजट के अंदर खरीदारी कर रहे हैं। प्यारा तो भाई वो 2 लाख वाला सबसे प्यारा है। पिछले साल सही था माहौल, इस दफा भी जो है ना वो जब चांद निकलने से पहले पहले मार्केट बिल्कुल ठीक थी और सही रेट पे मिल रहा था। अब जो है ना ये बारिश से बाहर जा, अब बारिश से बाहर है। पिछले साल सही लिया था, पिछले साल सही लिया था हमने, पिछले साल सही लिया था। अब जो ना रेट बहुत ज्यादा करो, ये क्या क्या दान है? ये हमें 20 साल हो गए, ये हमारे भाई साहब मेरे साथ बात करें, चौगा है जी। चौगा बोले ना, दो दाना ना बोले, चौगा है जी। पैसे इसके पैसे मांगता हूँ 55,000। मैंने आज से 5 महीने पहले जो है 26,500 का मैंने खुद खरीदा था। अच्छा। और इसके ऊपर जो ना 50 रुपए डेली का खर्चा बना के हिसाब कर ले हमें कितने का पैता है, और भावल नगर से हम इधर लेकर आए हैं और बताएं इसका कितना घाटा पैंदा जी। ये सिर्फ गरीब आदमी नहीं, गरीब आदमी एक कमेटी है कि उसके पैसे जमा दे 55,000 के देंगे। फाइनल 50,000 ये 32,000 रुपए। कैसे 1,000 रुपए किलो और 1,200-1,300 रुपए किलो बकरे का गोश्त बिकता है लाहौर में? लाहौर में गोश्त के बाद कुर्बानी के बाद करो, वजन जो है इस टाइम 30-35 किलो गोश्त है। कुर्बानी बस बात सुने, लड़ना नहीं है भाई, कुर्बानी करनी अलग रस्ते में। अल्लाह मजदूर आदमी तो खप गए हैं आपके लिए, हमें आस्ता आस्ता तुम्हारे लोहरियों को बातें देकर ये काम छोड़ देंगे। हम लोहरिया नहीं है, हम बाहर से आए हैं, मजदूरी मजदूर हैं। लोहरिया लोहरियों को देकर तो ना ऐसा करेंगे, लोहरियों को ऐसे छुरा डाल दें, हम मजदूर आदमी है। आप मजदूर नहीं है, आप दौलतमंद जो है हमें जलील कर रहे हैं मजदूर आदमी को। अल्लाह माफ करे, हम कुर्बानी करने राज हो गए, कुर्बानी नहीं करनी, अल्लाह के रस्ते, अल्लाह के रस्ते देनी है। फाइनल 10 छोड़ दे, फाइनल मैं जो है ना 50,000 रुपए का दूंगा, इससे कम नहीं दूंगा। 50 फाइनल है? हाँ जी 50 फाइनल। ये हमें 33,000 रुपया देंगे फाइनल। 33,000 देंगे भाई, खुदा हाफिज़ जी, बड़ी मेहरबानी। अच्छा चलो जी, नहीं होया भाजी सौदा, आगे चलिए आगे चलिए। आ जाएं। देखो देखो और जी आप ठीक है? तबीयत ठीक है, अल्लाह का बड़ा एहसान शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये वाइट वाइट है सब? हाँ जी सारे वाइट, ये है भी है, राजनपुर के हैं ये सारे बकरे। राजनपुर के हैं जी, ये मुसाफिर आए हैं राजनपुर से। देखो ये देखो अल्लाह का माल है, सारे माशा 12-13 दाने है ये। अच्छा सब सब दो दांत वाले? हाँ दोंदे दो बदे बिच चौके ने बकाया सारे दोंदे ने। अच्छा हाँ जी ਪੱਠੇ ਪਾਏ ਸਨ ਸੁਬਹ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਉਹ ਲੈ ਪੱਠੇ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਉਹ ਪਏ, ਪੱਠੇ ਰੱਜੇ ਪੈਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਐਕਸਟਰਾ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ? ਬਕਰੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪੀਜ਼ਾ ਖਾਣਾ ਬਸ। ਇੱਕ ਦੀ ਐਕਸਟਰਾ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਹੈ। ਕੀ ਮੰਗਦਾ ਕੀ ਮੰਗਦਾ ਉਹ ਭਾਜੀ? ਇਹ ਜੋ ਖਾਂਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਲੈ ਖਵਾਓ ਮੈਨੂੰ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੈਪਰੇਟ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਉਹ ਸੈਪਰੇਟ ਖਾਂਦਾ ਭਾਜੀ, ਪੀਜ਼ਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ? ਨਹੀਂ ਪੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ। ਬਰਗਰ ਪੈਪਸੀ ਮੰਗ, ਪੈਪਸੀ ਪੀਂਦਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ। ਕਿਹੜਾ ਪੀਂਦਾ ਤਾਂ ਲਾਉਦਾ ਉਹ ਪਿਆ, ਉਹ ਬੈਠਾ ਸੀ ਵਾਹ ਯਾਰ ਪੈਪਸੀ ਵਾਲਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਉਹ ਬੈਠਾ ਪੈਪਸੀ ਵਾਲਾ, ਪੈਪਸੀ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਢਿੱਲਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਪਸ ਆਏ ਬਾਦ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ सर, ये 50,000 वाले बकरों का 90,000 मांग रहे हैं, ज्यादती कर रहे हैं आवाम से सर। आगे आओ थोड़ा ही, आगे आगे गल करो। 18 किलो वजन ही है, 18 किलो वजन हो तो फ्री नहीं है? इसमें कितना पाते हैं? मैं एडी वड्डी गल की 18 किलो वजन हो तो फ्री कितना पाते हैं? 18 किलो वजन है, 18 किलो वजन तो फ्री। सर जी फाइनल 55,000 देंगे हम, देंगे 55,000 फाइनल देंगे सर। ये 90,000 मांग रहे हैं, ज्यादती कर रहे हैं। ऐ ना ज्यादती नहीं हो रही इन्हां दे नाल, ज्यादती सारा ना इकट्ठी होएगी जो भी हो रहा मामला ना। तो ओ ना भाई देखो अपना माइंड, आपका क्या माइंड है? माइंड माइंड बताएं कितना हमारा ये ज़ेन है दोनों का, हमें आप देख ले तसल्ली कर ले। दो दांत है कितने? पहले तसल्ली करें, तसल्ली। हाँ जी ये 4 दांत है, ये 2 दांत और चौके छोटे छोटे हुए हैं, 4 दांत तो है ना। अच्छा
ਵੈਸੇ ਵੀ ਖੱਸੀ ਪਾ ਖੱਸੀ ਆ ਵੈਸੇ ਵੀ ਠੀਕ ਅੱਛਾ 55,000 ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ ਇਨਕਾ ਦੋਨੋਂ ਕਾ ਹਾਂਜੀ ਦੋਨੋਂ ਕਾ ਹਾਂ 1200 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਗੋਸ਼ਤ ਵੀ ਲਾਓ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ 55 ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਮੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਗੋਸ਼ਤ ਗੋਸ਼ਤ ਹਮਾਰਾ ਹਮੇ ਆਪ ਬਤਾਏ ਹਮ ਹੀ ਕਸਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਥੋੜਾ ਇਹਨਾਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਓ ਠੀਕ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੱਧ ਜਾਓ ਥੋੜਾ ਹੀ ਨਾ 55,000 ਲਗਾ ਦਈਏ 56,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਓ ਚਲ 56 ਕਰ ਦੇ 55 ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਲੈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਨਿਬੜੇ ਦਿਓ ਪੈਸੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ 57,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਹਮ ਜੇ ਅਗਰ ਆਪ ਦੇਣਾ ਚਾਹਤੇ ਹੈ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੀ ਕਰਦੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਆਵਾਮ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਆਵਾਮ ਰੇਟ ਵੀ ਸਹੀ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਠੀਕ ਹੈ ਪੈਸੇ ਗਿਣ ਰਹੇ ਬਾਈ ਸੌਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋ ਗਿਆ 1200 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਲੈ ਜੇ ਜੀ ਕਿਤੇ ਪੈਸੇ ਸੌਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਲੈ ਲੈ ਸੀ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਲਓ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਕੱਢੋ ਜਾਨ ਦੇ ਯਾਰ ਸੌਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਸੌਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 5,000 ਛੱਡ ਸਕਨੇ ਆ ਹੋਰ ਦੱਸੋ 85,000 ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਨਾਬ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ 57,000 ਰੁਪਏ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ 57,000 ਦਾ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਵਿਕਦਾ ਪਿਆ ਵੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਾਂ 57 ਦੇ ਦੋ ਦੇ ਦੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦੋ ਇੱਕ ਨਹੀਂ 80,000 ਰੁਪਏ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋੜੀ ਦਾ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਸਾਡੀ ਇਹ 20-20 22 ਕਿਲੋ ਵਾਲੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬੜੀ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਜੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀ ਰੇਟ ਤੋਂ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੁਆ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀ ਗਾਹਕ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵਪਾਰੀ ਕੋ ਮਨਾ ਸਕੂੰ ਕਿ ਬਈ ਇਤਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਲੇਕਿਨ ਅਬ ਮੈਂ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੂੰ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕੀ ਤਰਫ ਸੇ ਇਹ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਹੈ ਮਿਊਨਸਿਪਲ ਕਮੇਟੀ ਕਾ ਠੀਕ ਹੈ ਅੰਦਰ ਚਲਤੇ ਹੈ ਔਰ ਦੇਖਤੇ ਹੈ ਕਿ ਯਹਾਂ ਕੇ ਕਿਆ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਜੀ ਭਾਈ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਇਹਦਾ ਛੋਟੇ ਇਹਦਾ ਭਾਈ 2,00,000 ਰੁਪਏ ਆਪ ਲੈਣੇ ਆਏ ਅੱਛਾ 2,00,000 ਜੀ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ 50,000 ਦਵਾਂ ਇਹਦਾ ਤੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ ਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੈ ਗਿਆ 50,000 ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਰੁਪਈਏ ਨਹੀਂ 2,00,000 ਰੁਪਈਏ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਫਾਈਨਲ ਕੀ ਦੇ 81 ਫਾਈਨਲ ਇਹਦੀ ਖੁਰਾਕ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਖੁਰਾਕ ਇਹਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਵੰਡਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਔਰ 2 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਸੋਨ ਅਲਵਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ ਸੋਨ ਅਲਵਾ ਮੰਗਦਾ ਕਦੀ ਕਦੀ ਤੇਰੇ ਰਗਾਜ ਤੇ ਖਿਲਾ ਜਾਂਦਾ ਆਪ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਖਵਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਖਵਾਉਂਦਾ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੈਨੂੰ ਟੁੱਟ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਇਹ ਟੁੱਟ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ ਤੇਰੇ ਰਗਾਜ ਦਾ ਥੋੜਾ ਪੈਸੇ ਲਾਏ ਉਹਨੂੰ ਢਾ ਲੈਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਢਾ ਲੈਂਦਾ ਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਸੁਣ ਲਈ ਇਹਨੇ ਤੇ ਚਾਰਾ ਕਰ ਭਜਣ ਵਾਲਾ ਭਜਣ ਵਾਲਾ ਚਾਰਾ ਕਰ ਪੈਸੇ ਕੰਮ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬਤਾਏਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਰੇਗਾ ਮਾਰੇਗਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਰੇਟ ਲਗਾਏਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਉਸਕੋ ਟੱਕਰ ਮਾਰੇਗਾ ਟੱਕਰ ਮਾਰੇਗਾ ਨਾ ਹੀ ਦੇ ਮਾਰ ਕਿਤਨੇ ਲੋਕੋ ਕੋ ਮਾਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ 40-50 ਕੋ ਤੋ ਮਾਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਮਾਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਓਏ ਹੋਏ ਪੈਸੇ ਕੰਮ ਲਗਾਏ ਥੇ ਉਸ ਪੈਸੇ ਕੰਮ ਲਗਾਏ ਬਾਤ ਕਰੇਗਾ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਸੀ ਬਾਤ ਕਰੇਗਾ ਬਾਤ ਤੋਂ ਲਾਗੇ ਚੱਲੋ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ 50,000 ਲਾਇਆ ਲਾਗੇ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਭਾਈ ਪੈਸੇ ਕੰਮ ਲਗਾਓਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਰੇਗਾ ਇਸ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਘੱਟ ਮੰਗੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਉਹ ਆਪ ਸਮਝਦਾਰ ਆ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈ ਤੋ ਐਸੇ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਇਹ ਅੱਜ ਕਾ ਜੋ ਰਿਐਲਿਟੀ ਚੈੱਕ ਥਾ ਆਪਕੋ ਦਿਖਾਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਥਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਤ ਜੈਸੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਮਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾ ਆਲਮ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਹੈ ਹਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਸਿਰਫ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਤੋ ਯੇ ਮੰਡੀ ਕੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਇਹ ਦਿਖਾਨਾ ਆਪਕੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਥੇ ਕਸਟਮਰ ਵੀ ਆਪਨੇ ਦੇਖੇ ਗਾਹਕ ਕਿਆ ਕਹਤੇ ਹੈ ਗਾਹਕ ਕਹਤੇ ਕਿ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਪੈਸੇ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜੋ ਵਪਾਰੀ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਤੇ ਹੈ ਕਿਉਂ ਇਹ ਵਹਾਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਪੰਜਾਬ ਕੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਸੇ ਗਾੜੀਓ ਮੇ ਲੋਡ ਕਰਕੇ ਲੇ ਕਰ ਆਤੇ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਇਨਕੋ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ੋਂ ਕਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੋਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਟੈਕਸ ਅਲੱਗ ਸੇ ਮੰਗਤੀ ਹੈ ਟਾਊਨ ਵਾਲੇ ਅਲੱਗ ਸੇ ਮੰਗਤੇ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਬਾਈ ਮਾਰੇਗਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਾਈ ਅੱਛਾ ਟਾਊਨ ਵਾਲੇ ਅਲੱਗ ਸੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗਤੇ ਹੈ ਤੋ ਫਿਰ ਇਹ ਲੋਕ ਮੰਗਤੇ ਹੈ 2,00,000-3,00,000 ਉਸਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਤੋ ਅਬ ਕਬ ਅਬ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਾ ਹਮ ਕਰੇਂਗੇ ਇਖਤਿਤਾਮ ਬਸ ਅੱਜ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੇਂ ਇਤਨੇ ਹੀ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੱਕ ਕੇ ਲਈ ਮੁਝੇ ਔਰ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਕੋ ਦੀਜੀਏਗਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼